हर्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट, बताओ क्या बात है। हेलो बेटा, कोई दिक्कत है तो बता देना, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार आवाज आई थी बस। कहता जो रेशियो है, रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें चेंज करना है। क्या दिया हुआ रेशियो में हमें, सबसे पहले पॉइंट पर दिया हुआ है सबसे पहले 50 पैसे 2 रुपीज 4। हमें इसका रेशियो निकालना है और रेशियो को फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ पर देखो, हमें जो यूनिट दी हुई है वो पैसे दी हुई है, यहाँ पर रुपए दिया हुआ है। मैंने आपको अभी अभी बताया था बेटा, जब भी हम दो क्वांटिटीज का रेशियो निकालेंगे, दोनों की यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। जो फर्स्ट टर्म हमारे पास है उसकी जो यूनिट है वो पैसे में है, और जो सेकेंड टर्म हमारे पास है वो रुपए में है। तो दोनों की यूनिट को सबसे पहले सेम करेंगे, या तो पैसे को रुपए में चेंज करो या रुपए को पैसे में चेंज करो, तभी हम इन दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं। हमने पीछे देखा था कि जो 1 रुपए हमारे पास होता है वो 100 पैसे के इक्वल होता है, डेसिमल्स में हमने देखा था। 1 रुपए की जो वैल्यू होती है वो 100 पैसे के इक्वल होती है। हमें 4 रुपीज की वैल्यू निकालनी है, तो 4 × 100 400 पैसे हो जाएगा। जो हमारे पास 4 रुपये है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 पैसे। अब हमारे पास देखो, दोनों पैसे में कन्वर्ट हो गया, 50 पैसे और 400 पैसे। इसका रेशियो हम आसानी से निकाल सकते हैं, रेशियो ऑफ 50 पैसे टू 400 पैसे कितना हो जाएगा, 50:400। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी, 50:400। और इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे बेटा, क्योंकि जो 50 और 400 है इनका HCF 1 नहीं है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें चेंज करना पड़ेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों के HCF से डिवाइड, 50 और 400 का HCF। आप चाहो तो इसका HCF रफ नोटबुक में निकालकर या फिर साइड में पेज पर निकालकर देख लेना, हमें यहाँ पर HCF निकालकर दिखाने की आवश्यकता नहीं है बेटा, ठीक है। इनका अगर आपको कहीं पर भी क्वेश्चन निकालना पड़े तो इनका HCF आप साइड में निकाल लेना, कोई भी मेथड आप यूज कर लेना, चाहे तो डिवीजन मेथड या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हमने पढ़ा हुआ है HCF निकालना। 400 को 50 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 400 को 50 से डिवाइड करेंगे, ये कहाँ पर जाएगा, 8 पर जाएगा, 58 + 400, और ये डायरेक्ट क्या बनेगा, 0। हमारे पास HCF कितना जाएगा, 50, ठीक है। जो लास्ट डिवाइजर हमारे पास होता है वो हमारा HCF होता है, तो लास्ट डिवाइजर हमारा 50 था, 50 HCF बन गया। 50 से दोनों को डिवाइड करेंगे, 50 को भी और 400 को भी, दोनों को सेम नंबर से ही डिवाइड करना है बेटा। 50 को 50 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 400 को 50 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, 1/8 का मतलब हो गया 1:8। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। सबसे पहले तो हमें इसका रेशियो निकालना है, इसको कन्वर्ट करके। रेशियो निकालने के बाद जो हमारे पास दो टर्म्स आएंगी उनका HCF 1 नहीं होगा, तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए दोनों के HCF से डिवाइड करेंगे, वो हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी रेशियो की, ठीक है। अगर आप यहां तक छोड़ देते हो करके 50:400, तो बेटा ये आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, इसके आपके मार्क्स कटेंगे, इस बात का ध्यान रखना। हमेशा कोई भी रेशियो आप निकालो, हमेशा ये उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, उन दोनों टर्म्स की HCF हमेशा 1 होनी चाहिए। सेकंड वाले पार्ट में कहता है रेशियो हमें निकालना है 40 सेकंड टू 50 मिनट्स। फिर से वही बात आ गई बेटा, यहाँ पर हमें 40 सेकंड दिया हुआ है, यहाँ पर 50 मिनट दिया हुआ है, दोनों की यूनिट सेम नहीं है। यहाँ पर यूनिट सेकंड दे दी, यहाँ पर मिनट दे दी, दोनों का रेशियो हम नहीं निकाल सकते। इसके लिए सबसे पहले हमें इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें पता है जो 1 मिनट होती है, 1 मिनट में हमारे पास कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है, तो 50 मिनट में कितनी सेकंड हो जाएंगी, 50 × 60, और ये कितनी आ जाएगी, 3000 सेकंड। हमने मिनट्स को चेंज किया सेकंड में, 1 मिनट का पता हमें 60 सेकंड होता है, तो 50 मिनट्स में कितने सेकंड्स हो जाएंगी, 60 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3000। बेटा आवाज नहीं आ रही, अगर किसी के पास आवाज सही आ रही है तो मुझे बता दो।
रही है। तुम्हारे पास सात सही आ रही है। आइए बेटा, अगर किसी के पास ठीक है बेटा, ओके थैंक यू बेटा। अगर किसी के पास आवाज सही नहीं आ रही है तो एक बार आप नेटवर्क चेक कर लो अपना, क्योंकि बाकी बच्चों के पास आवाज सही जा रही है, मतलब नेटवर्क सही है और आवाज सही है। ये 40 सेकंड और ये सेकंड टाइम हमारी कितनी आ गई, 3000 सेकंड। इन दोनों का रेशियो हम अब निकालेंगे, रेशियो ऑफ 40 सेकंड टू 3000 सेकंड कितना हो जाएगा, 40:3000। ठीक है, 40:3000। इन दोनों को भी हमें अब सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तो इन दोनों का एचसीएफ हमें निकालना पड़ेगा और एचसीएफ निकाल कर दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा एचसीएफ से। आपको मैंने बताया, आप रफ नोटबुक में एचसीएफ निकाल लो कहीं पर भी साइड में पेज पर, और जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से निकाल लो। दो मेथड हमने पढ़े थे चैप्टर थर्ड में, एक डिवीजन मेथड और एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, जो मेथड आपको सही लगता है उस मेथड से आप निकाल। ये 7 पर जाएगा, 280 आएगा। कितना बचेगा रिमाइंडर, 200। ये 5 पर जाएगा, 200 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। जो हमारा लास्ट डिवाइजर होगा 40, लास्ट डिवाइजर हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। उसी से हम दोनों को क्या करवा देंगे, डिवाइड। 40 को 40 से डिवाइड करेंगे 1, और 3000 को 40 से डिवाइड करेंगे 75 आ जाएगा। 1/75 का मतलब होगा बेटा 1:75। यही हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा, इस तरह से भी आ सकता है बेटा, 3.2 मीटर टू 56 मीटर। हमें रेशियो निकालना है 3.2 मीटर का 56 मीटर के साथ। यहाँ पर देखो, ऑलरेडी हमारे पास यूनिट सेम है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में, दोनों की यूनिट सेम है, लेकिन एक नंबर हमारे पास डेसिमल का है और एक नंबर हमारे पास नेचुरल नंबर है। अलग अलग नंबर हमारे पास है, एक डेसिमल नंबर है, एक नेचुरल नंबर है। इनको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो देखो, सबसे पहले इनको रेशियो में लिखेंगे। रेशियो ऑफ 3.2 मीटर टू 56 मीटर कितना हो जाएगा, 3.2:56। 3.2 हमारे पास है डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ये हमने डेसिमल्स में देखा था। जब हमारे पास डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में एक डिजिट होती है तो इसको डेसिमल पॉइंट को हटाने के लिए हम 10 से डिवाइड करवा देते हैं, 10 से डिवाइड करवा देते हैं। 32/10 बन गया और 56 है ये एज इट इज। ठीक है, डेसिमल पॉइंट को हमने हटा दिया, 32/10 बना, रेशियो 56 एज इट इज। अब बेटा डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास कोई भी टर्म आ जाती, कोई भी नंबर आ जाता है रेशियो के अंदर, तो डिनोमिनेटर में जो भी टर्म हमारे पास है नंबर, उसको हमें हमेशा हटाना पड़ेगा। और उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, उसी नंबर से दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करवा दो। यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में 10 आ गया, तो इस 10 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दोनों टर्म्स में ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये हमारे पास रूल है, ये नहीं है हमने एक टर्म में मल्टीप्लाई करवा दी, एक में नहीं करवाई। जैसे हम फ्रैक्शन में करते थे, मान लो ये फ्रैक्शन हो गई 32/56, हमें कुछ मल्टीप्लाई करवाना है या फिर डिवाइड करवाना है, तो हम दोनों न्यूमरेटर में भी न करवाएंगे डिनोमिनेटर में भी। डिवाइड करवाना है तो भी दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना पड़ेगा। सेम उसी तरह से हमें डिवाइड में जो 10 है इसको हटाने के लिए यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करवाई, 32/10 × 10, तो 56 में भी हमें 10 से मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी। 10 से 10 कैंसिल हो गया, ओनली क्या बच गया, 32, और ये 56 की मल्टीप्लाई 10 से करवाई, 560 बच गया। अब ये दोनों हमारे पास नेचुरल नंबर आ गए, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में अभी भी नहीं आई। सिंपलेस्ट फॉर्म में इनको चेंज करेंगे, दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 16, और 16 से दोनों को डिवाइड कर देंगे। 32 को 16 से डिवाइड करेंगे 2, और 560 को 16 से डिवाइड करेंगे 35, 2/35 मतलब 2:35, ये हमारे पास आंसर है। बेटा अगर आपने ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना सीख लिया ना, तो ये लगा लो आपकी जो एक्सरसाइज, ये जो 8.1 एक्सरसाइज है, ये आधी एक्सरसाइज आपकी वैसे ही हो जाएगी।
जो स्टार्टिंग के हमारे 5-6 क्वेश्चंस हैं वो लगभग इसी के ऊपर बेस है। ठीक है, तो इन दोनों को अच्छे से डिवाइड कर देंगे लास्ट में, अच्छे से डिवाइड करते ही हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में कहता है 150 ग्राम 23 किलोग्राम, दोनों का हमें रेशियो निकालना है 150 ग्राम का 3 किलोग्राम के साथ। दोनों की यूनिट बेटा डिफरेंट दी हुई है, यहाँ पर यूनिट हमारे पास ग्राम दी हुई है, सेकंड वाली टर्म में यूनिट हमारे पास किलोग्राम दी हुई है, दोनों को चेंज करेंगे सेम यूनिट। हाँ बेटा, हाँ बताओ। ये थर्ड क्वेश्चन 3.2 में ट्रॉन ये वाला फिर से बताना। ये बेटा हमारे पास रेशियो निकालना है 3.2 मीटर्स का 556 मीटर्स के साथ। सिंपल आपको ये देखो कि 3.2 का हमें 56 के साथ क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। दोनों की यूनिट तो सेम दी हुई है, मीटर मीटर दी हुई है, यूनिट सेम होती है तो हम डायरेक्ट रेशियो निकालते हैं। 3.2 मीटर टू 56 मीटर क्या हो जाएगा, 3.2:56। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर हमारे पास डेसिमल नंबर है 3.2 और डेसिमल नंबर को हमें हटाना पड़ेगा, डेसिमल को, और डेसिमल को हटाने के लिए हमने डेसिमल वाले चैप्टर में देखा था कि डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होती हैं उतने ही जीरो से हम डिवाइड करवा देते हैं डेसिमल के राइट हैंड साइड में। 3.2 में हमने देखा डेसिमल के बाद ओनली वन डिजिट है तो 10 से हमने इसको डिवाइड करवा दिया। 10 का मतलब होता है 10, 10 से हमने इसको डिवाइड करवा दिया, 32/10 रेशियो 56 बन गया। अब ऐसी कंडीशन में जहां पर डिनोमिनेटर में कुछ भी आ जाता हमारे पास, चाहे फर्स्ट टर्म की आ जाए सेकंड टर्म की आ जाए, अगर हमारे पास कुछ, बेटा माइक बंद कर लो, अब कुछ भी हमारे पास आ जाता है डिनोमिनेटर में तो उसको हटा। बेटा मैं आपके कहने से क्वेश्चन समझा रहा हूँ, दोबारा से अपना माइक बंद कर लो। डिनोमिनेटर में कुछ भी होता है उसको हटाने के लिए उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 32/10 है तो इसको हटाने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर फर्स्ट टर्म में हमने 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो सेकंड टर्म में भी हमें 10 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो हमने फर्स्ट वाले में भी 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया, सेकंड टर्म में भी 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया। फर्स्ट टर्म में 10 से 10 कैंसिल हो गया, 32 बच गया, सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई हो गया 56/10 560। अब ये सेम जो पीछे वाले पार्ट्स थे सेम उसी की तरह बन गया, दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए दोनों के एचसीएफ से डिवाइड किया हमने। ठीक है, दोनों का एचसीएफ क्या था, 16 आएगा। 32 को भी 16 से डिवाइड करो, 560 को भी 16 से डिवाइड करो, ये 2/35 आएगा, मतलब 2:35। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 3 किलोग्राम दिया हुआ है, 3 किलोग्राम को हम चेंज करेंगे ग्राम में, क्योंकि फर्स्ट वाली टर्म हमारे पास ग्राम में दी हुई है, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना हमने देखा था, 1 किलोग्राम = 1000 ग्राम पढ़ा था हमने, तो 3 किलोग्राम कितना हो जाएगा, 3 × 1000 = 3000 ग्राम के इक्वल आ जाएगा। 150 ग्राम और 3000 ग्राम इन दोनों का रेशियो हम निकालेंगे, रेशियो ऑफ 150 ग्राम टू 3000 ग्राम कितना हो जाएगा, 150:3000। दोनों का एचसीएफ हमने निकाला, एचसीएफ कितना आएगा दोनों का, 150 आएगा। ये मैंने बेटा आपको बार बार बताऊं, ये आप रफ नोटबुक में या फिर अलग पेज पर निकाल कर देख लेना, एचसीएफ आपको इसमें निकाल कर दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि इन दोनों का एचसीएफ ये होता है। आप डायरेक्ट लिख देना कि एचसीएफ क्या होता है इनका, 150 से दोनों को डिवाइड किया, 150 को 150 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, और 3000 को 150 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा, 1/20। 1/20 का मतलब हो जाएगा 1:20, ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। ठीक है, फिफ्थ वाले पार्ट में कहता है 240 cm × 2a cm। यहाँ पर बेटा कंफ्यूज मत होना कि सेंटीमीटर का मतलब यहाँ उसके साथ कुछ नहीं दिया, a दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर हमें 1 cm काउंट करना है। 240 cm का रेशियो हमें निकालना है 1 मीटर के साथ।
ठीक है, 240 सेंटीमीटर का रेशियो 1 मीटर के साथ हमें निकालना है। दोनों की यूनिट डिफरेंट हो गई, ये सेंटीमीटर में ये मीटर में, तो इसको चेंज करेंगे। हमें पता है जो 1 मीटर होता है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो इस 1 मीटर की वैल्यू कितनी आ गई 100 सेंटीमीटर। अब हम रेशियो निकाल देंगे 240 सेंटीमीटर का और 100 सेंटीमीटर का। रेशियो ऑफ 240 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 240 रेशियो 100, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे 240 और 100 को, तो दोनों को हमें दोनों के एचसीएफ से डिवाइड करना पड़ेगा। 20 दोनों का एचसीएफ आता है, 20 से डिवाइड किया 240 को, 20 से डिवाइड किया 12, 100 को 20 से डिवाइड किया 5, 20 अपॉन 5 का मतलब होगा 12:5। यहाँ पर समझने वाली एक बात ये थी कि ए मीटर का मतलब क्या होगा, आपका 1 मीटर होगा, 1 मीटर हमें दिया हुआ है, 1 मीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज किया, 100 सेंटीमीटर आ गया, रेशियो हमने निकाल दिया 240 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर का, वो इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया, ठीक है, ये 12:5 आ गया। सिक्स्थ पार्ट हमारे पास है, सिक्स पार्ट में कहता है 10 लीटर टू 0.25 लीटर। 10 लीटर का हमें रेशियो निकालना है किसके साथ, 0.25 लीटर के साथ। दोनों की यूनिट देखो सेम है, यहाँ पर भी लीटर दी हुई है, यहाँ पर भी लीटर दी हुई है, सेम ही जैसे हमने थर्ड वाला पार्ट किया था उसी तरह से, दोनों की यूनिट सेम थी, मीटर एंड मीटर थी, लेकिन एक जो हमारे पास टर्म थी वो हमें डेसिमल में दी हुई थी, यहाँ पर भी एक टर्म हमारे पास कैसे दी हुई है, डेसिमल में दी हुई है। 10 लीटर तो एजिटीज है, नेचुरल नंबर है, लेकिन ये 0.25 ये हमें डेसिमल नंबर दिया हुआ है, तो हम रेशियो निकालेंगे। रेशियो ऑफ 10 लीटर टू 0.25 लीटर कितना हो जाएगा, 10:0.25, ठीक है। डेसिमल का नंबर जब भी आ जाए बेटा रेशियो में, हमें डेसिमल पॉइंट को हटाना पड़ेगा, इस डेसिमल पॉइंट को हम हटाएंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद देखेंगे कितनी डिजिट्स हैं। चाहे बेटा माइक बंद कर लो अपना, डेसिमल पॉइंट के बाद देखेंगे कितने डिजिट है, 0.25 डेसिमल पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट दी हुई है, एक तो 2, 5, 2 डिजिट हो गई, मतलब डेसिमल पॉइंट को जब यहां से हम हटाएंगे तो डेसिमल की जगह हमारे पास 20 से हम डिवाइड कर दवा देंगे, 20 का मतलब 10:25/100। जिसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था सेम उसी तरह से, जब भी हमारे डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर आ जाता है उसको हटाने के लिए बेटा हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, हमें 100 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। यहाँ पर जब सेकेंड टर्म में हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वाली टर्म में भी हमें 100 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म में, 100 से मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म में 100 से 100 कैंसिल हो गया, फर्स्ट वाली टर्म में 10 × 100 1000 एज इट इज आ गया, बीच में रेशियो या 100 से 100 कैंसिल होने के बाद 25 आ गया, 1000:25 ये हमारे पास। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ से डिवाइड करेंगे, एचसीएफ 20 हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 25 40 आ गया, और 25 डिवाइडेड बाय 25 1 आ गया, 40/1 40/1 का मतलब हो गया 40:1, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सर एक बार फिर से बता दे, बता रहा हूँ बेटा माइक बंद रखो। हमारे पास 10 लीटर दिया हुआ है और 0.25 लीटर दिया हुआ है, दोनों का रेशियो हमें निकालना है, तो रेशियो हमारे पास देखो सबसे पहले यूनिट हम देखते हैं, यूनिट हमारे पास सेम दी हुई है, दोनों की लीटर दी हुई है, डायरेक्ट हम रेशियो निकालेंगे,
10:0.25 ये हमारे पास रेशियो आ गया। अब जब भी रेशियो में डेसिमल नंबर आता है, डेसिमल नंबर को हटाने के लिए हमें उसके नंबर जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा। डेसिमल नंबर को यहाँ से हटाएंगे, 0.25 है, डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स काउंट करेंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 जीरो से हमें इसको डिवाइड करना। डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती हैं उतने ही जीरो से हम डिवाइड करते हैं, तो 0.25 को हमने क्या लिख दिया, 25/100। 10 हमारा एज इट इज आ गया, 10:25/100। अब जब भी डिनोमिनेटर में कुछ भी टर्म हमारे पास आ जाए उसको हटाने के लिए हमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, और जब उस नंबर को हम एक टर्म से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास 100 आ गया, दोनों टर्म्स को आप 100 से मल्टीप्लाई करवा दो, फर्स्ट वाले में भी सेकेंड वाले में। फर्स्ट वाले में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 × 10 = 1000 आ जाएगा। सेकेंड वाले में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 25 हमारे पास एज इट इज बच जाएगा, 1000 = 25। 1000 और 25 का एचसीएफ निकालना रफ पेज पर, वो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, तो 25 से दोनों को डिवाइड कर देंगे। जैसे 25 से डिवाइड करेंगे, 40/1 का मतलब हो गया 40:1, ये हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, सेम जो हमने अभी अभी क्वेश्चन किया है सेम इसी तरह से हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, लेकिन फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था यहाँ पर फिर भी थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट था, क्योंकि हमें पहले रेशियो में कन्वर्ट करना था फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना था। यहाँ पर कहता है एक्सप्रेस दीज रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म, हमें पहले से रेशियो बना के दिया हुआ है और उस रेशियो को सिर्फ हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ से दोनों को डिवाइड कर देंगे। 35:140 ये हमें दिया हुआ है फर्स्ट वाले पार्ट में। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए एचसीएफ हमने निकाला, एचसीएफ जो होगा 35 और 140 का वो 35 हो जाएगा। दोनों नंबर्स को जो भी एचसीएफ आया है उसी से डिवाइड करेंगे, 35 को भी 35 से डिवाइड, 140 को भी 35 से डिवाइड। 35 को 35 से डिवाइड किया 1, 140 को 35 से डिवाइड किया 4, 1/4, 1/4 का मतलब हो गया 1:4, ये हमारा आंसर। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ता था, फिर रेशियो में लिखना पड़ता था, उसके बाद इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हम निकालते थे। इस वाले क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट रेशियो दिया हुआ है, उसकी सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म हमें निकालनी है। सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए दोनों का एचसीएफ हम निकालेंगे, वो आप चाहे रफ पेज पर निकाल कर देख लेना। डिविजन मेथड मैंने आपको बताया हुआ है, डिविजन मेथड बेस्ट होता है हमारे लिए। 140 को डिवाइड कर देंगे 35 से, 35 हमारे पास क्या आ गया, अच्छी है। सेकंड वाले में दिया हुआ है 90:360, दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म हमें निकालनी है, एचसीएफ निकालेंगे, 360 को डिवाइड करके देखेंगे 90 से, डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे, 19/4 पर ये कंप्लीट चला जाएगा 360। ठीक है, 4 पर कंप्लीट हो जाएगा, 90 हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ 90 और 360 आ गया। 90 से दोनों को डिवाइड कर देंगे, 90 को 90 से डिवाइड किया 1, 360 को 90 से डिवाइड किया 4, 1:4, ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, 425:350, दोनों का एचसीएफ हमने निकाला, एचसीएफ कितना हो जाएगा दोनों का, 25 से दोनों को डिवाइड कर दो, 425 को 25 से डिवाइड किया 17, 350 को 25 से किया 14, 17/14, 17:14, ये हमारे पास आंसर। ठीक है, अगर आपने बेटा थर्ड चैप्टर में एचसीएफ निकालना सीख लिया तो उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकाल कर दोनों को डिवाइड करना है। ठीक है, जो भी टर्म हमारे पास दी हुई है रेशियो में दोनों को एचसीएफ से डिवाइड करवा दो, वही हमारे पास रेशियो का आंसर। ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने हैं। 200:625 दोनों का रेशियो निकालना, 200 और 625 का दोनों का रेशियो 25 आ जाएगा,
25 से दोनों को डिवाइड करवा दे, ठीक है। 25 आएगा, 200 और 625 का रेशियो, 25 से दोनों को डिवाइड करना, जो भी रेशियो आएगा वही हमारा आंसर होगा। 144 रेशियो 400, क्या बेटा? 144 रेशियो 441, इन दोनों का हमें सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है, तो सबसे पहले HCF निकालेंगे। दोनों का HCF लगभग 9 आएगा मेरे ख्याल से, एक बार आप निकाल कर देख लेना, जो HCF आए उसी से दोनों को डिवाइड करवा देना, 9 ही आना चाहिए। बाकी आप एक बार कंफर्म करने के लिए निकाल लेना अपनी जैसे नोटबुक में, मैंने निकाल के नहीं देखा है, 9 आना चाहिए, 9 से दोनों को डिवाइड करवा देना, 144 को भी 441 को भी, वो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी, आंसर आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ इसका 576 रेशियो 729, HCF जब हमने निकाला तो इसका HCF भी हमारे पास 9 आया है, अब डिवाइड करना 729 को 576 से, डिवाइड करते जाना डिवीजन मेथड से, लास्ट में हमारे पास आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। 9 से दोनों को हमने डिवाइड किया, जैसे ही 9 से डिवाइड किया 64/81, ये हमारे पास आंसर हो गया 64:81, ठीक है। अगर इन वाले क्वेश्चंस में बेटा कोई भी दिक्कत है तो बताओ, वैसे दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, आपको फिर भी कोई पॉइंट नहीं समझ में आया रह गया हो तो आप पूछ सकते हो। दोनों क्वेश्चन सेम तरह से, फर्स्ट वाले जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है उसमें पहले हमें रेशियो बनाना भी पड़ता है, फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ा हमें। इस वाले क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दिया हुआ है रेशियो, पहले से दिया हुआ है, उसको हमें सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। HCF निकालना है, उससे डिवाइड करना है, ये होती है रेशियो की सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। आगे हमारे पास आता है इक्विवेलेंट रेशियो। जैसे हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ी थी, सेम उसी तरह से हमारे पास इक्विवेलेंट रेशियो होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे निकालते थे, कोई फ्रैक्शन हमें दे दी 5/7, कहता था इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, 5/7 को 2 से, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, 10/14 क्या हो गई, इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गई। 5/7 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, 5/3 = 15, 7/3 = 21, ये भी क्या हो गई, इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गई। 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 5 से करवा दिया, 6 से करवा दिया, ये सब क्या हो जाती थी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाती थी। सेम उसी तरह से कहता है इक्विवेलेंट रेशियो होगा, टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेशियो मल्टीप्लाई और डिवाइड द टर्म्स ऑफ द गिवन रेशियो By the same non-zero number, कहता जब equivalent ratio हमें निकालना हो तो हम ratio को multiply करवा देंगे या फिर divide करवा देंगे, दोनों terms को, दोनों terms को या तो multiply करवा देंगे या divide करवा देंगे by the same non-zero number, किसी भी non-zero same number से। अगर first वाले number को हमने multiply करवाना है 2 से, तो second वाले को भी multiply ही करेंगे 2 से। फर्स्ट वाले नंबर को हमने 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो सेकंड वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करवाना है तो भी सेम नंबर से, डिवाइड करना है तो भी सेम नंबर से डिवाइड करवा देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को या फिर दोनों टर्म्स को, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, इक्विवेलेंट रेशियो बन जाएगा, ठीक है बेटा। सेम उसी तरह से, सिर्फ हमें कुछ भी अलग नहीं है, सेम नंबर से हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना है, वही हमारे पास इक्विवेलेंट रेशियो होगा। सेम स्टेटमेंट हमारे पास फ्रैक्शन की थी, सेम नंबर से हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना होता था दोनों न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर। कहता जब हम एक रेशियो को, ये रेशियो इज अनचेंज्ड और रिमेंस सेम इफ द टू नंबर्स ऑफ ए रेशियो मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम नंबर। कहता जो रेशियो होता है वो सेम रहता है अगर हम उसके दोनों नंबर्स को, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं सेम नंबर से, तो मतलब अगर उसका इक्विवेलेंट रेशियो हम निकाल देते हैं तो वो इक्विवेलेंट रेशियो भी सेम होता है उसी रेशियो, ठीक है। जैसे इसका फिफ्थ क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, कहता फाइंड द इक्विवेलेंट रेशियो फॉर गिवन रेशियो। जो हमें रेशियो दिए हुए हैं उनके हमें इक्विवेलेंट रेशियो निकालने हैं। पहला रेशियो हमें क्या दिया हुआ है, 2:3 हमें दिया हुआ है,
2:3 का इक्विवेलेंट रेशियो निकालेंगे, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लो 2/3, और सेम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा दो। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, आप 3 से मल्टीप्लाई करवा के निकाल दो, 4 से मल्टीप्लाई करवा के निकाल दो, 5 से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई, 7 से, सभी क्या होंगे, इक्विवेलेंट रेशियो होंगे। जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया इसको, 2 की 2 से मल्टीप्लाई हो गई 4, 3 की 2 से मल्टीप्लाई हो गई 6, 4/6, 4/6 का मतलब हो गया 4:6। ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेशियो आ गया, 4/6 जो है वो 2/3 का इक्विवेलेंट रेशियो है, 4:6 2:3 का इक्विवेलेंट रेशियो, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेशियो है या नहीं चेक करना चाहो, 4/6 डिवाइड करवा दो 2 से, जैसे 2 से डिवाइड करेंगे, 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 2/3 2:3 ये आ जाएगा। इक्विवेलेंट रेशियो हम डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट रेशियो हम मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आप और भी इसके बहुत सारे इक्विवेलेंट रेशियो निकाल सकते हो, मैंने सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करके निकाला है, आप 3 से मल्टीप्लाई करके, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, इक्विवेलेंट रेशियो हमारे पास आ जाएगा। 4:7 हमें दिया हुआ है, इक्विवेलेंट रेशियो निकालना है, 4/7 लिखा, 4/7 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया दोनों टर्म्स को, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, 8/14 मतलब 8:14, ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेशियो हो गया। 3:8 हमें दिया हुआ है, 3:8 को हमने लिखा 3/8, दोनों को हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 3 9, 8 3 24, 9/24 इसका इक्विवेलेंट रेशियो होगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करवाना चाहो तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, 6:16 ये भी इक्विवेलेंट रेशियो होगा। ये सभी क्या है, इक्विवेलेंट रेशियो है किसके, 3:8 के। चाहे तो 9:24 लिखो, 6:16 लिखो, 4 से मल्टीप्लाई करके, 5 से, किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, सभी इक्विवेलेंट रेशियो आएंगे 3:8 के, ठीक है। सिर्फ रेशियो को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है और आपको मल्टीप्लाई करनी है किसी भी नंबर से, 2, 3, 4, 5, 6, 7 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा दो दोनों टर्म्स को, वही हमारे पास इक्विवेलेंट रेशियो आ जाता है। हमने को कंपेयर किया था, उसी तरह से हम रेशियो को भी कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग रेशियो। कहता टू कंपेयर टू रेशियो, फर्स्ट एक्सप्रेस देम एज लाइक फ्रैक्शंस एंड देन कंपेयर देम। कहता अगर हमें रेशियो को कंपेयर